किसी काम को अगर करो तो पूरे लगन के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, ताकि आपको रिजल्ट मिल पाए, वरना आप करो ही मत। क्योंकि आप सभी को पता है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, तो जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसमें पूरा डेडिकेशन लेवल, पूरा मेहनत से कर ही नहीं रहे, तो आप उतनी भीड़ में अपना अलग पहचान, अलग रिजल्ट लेकर कैसे आ सकते हैं। तो इससे अच्छा है आप अगर तैयारी कर रहे हैं बस हंसते खेलते, बस नाम के लिए, तो फिर करो ही मत। उससे अच्छा है कुछ आप अलग कर लो। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आप रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, तो पूरा जान आप लगा दो, ताकि आपको ऐसा लगे कि इससे बेहतर तैयारी तो मैं नहीं कर सकता। जिस दिन आपके अंदर ये आ गया ना, तो मान लो आपका रिजल्ट उस दिन निकल जाएगा। और इसे तो क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा, चैनल पर जो भी नए हैं सक्सेस की 98 पर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है, आप लोग successki98.in के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं, और टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर देता हूं, तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। और स्पीड टेस्ट का जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए, एनटीपीसी का मैच 6 बजे, रीजनिंग 10 बजे, जीके 8:30 बजे रात को, करेंट अफेयर सुबह 4:30 बजे और जीएस 4 बजे। और आज दिन में 11 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा रीजनिंग का, हमारे चैनल सक्सेस की 98 पर। उस वीडियो में मैंने A to Z प्लानिंग आप सभी के लिए किया है, पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आप 30 में 30 एनटीपीसी में पूरा स्कोर कर पाएं। क्योंकि वो वीडियो मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज 11 बजे दिन में सक्सेस की 98 खोलकर एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, अगर आप एनटीपीसी का तैयारी कर रहे 19 में तो, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 29 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं हमारे सामने पहला प्रश्न क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है कि दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान के प्रमुख बनाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल का नाम बताइए जिसे ये बना दिया गया है। वो कौन से लेफ्टिनेंट जनरल है जिन्हें यूनाइटेड नेशन पीस मेकर ऑपरेशन का जो है वो हेड बना दिया गया, कहां के लिए? दक्षिण सूडान, सूडान के लिए। आपको बताना है उनका नाम, बताना है उनका नाम क्या है। उनका नाम है सलेश तिनिकर, ऑप्शन नंबर ए, जिन्हें क्या बना दिया गया है, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान के प्रमुख जो है वो बना दिया गया है। और दक्षिण सूडान का जो कैपिटल है वो क्या है आपको पता होना चाहिए, तो वो है आपका जुबा। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है साउथ सुडानीस पाउंड, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, वहां पर जो करेंसी इस्तेमाल होता है वो होता है साउथ सुडानीस पाउंड। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बैडमिंटन एशिया परिषद यानी बैडमिंटन एशिया काउंसिल के उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको उनका नाम बताना है। और उनका नाम है हिमंता विश्वास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि दिल्ली हाई कोर्ट के अगले न्यायाधीश किसे बनाया जाएगा, आपको उनका नाम बताना है। और एग्जाम में आपको जजेस से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये सब क्वेश्चन याद रखना है, खास कर विशेष तौर पर ये क्वेश्चन को अच्छे से सुनना भी है, और पीडीएफ दे रहा हूं ताकि रिवीजन भी कर पाओ। तो मैंने आपको नाम ही बोल दिया आंसर में, हाँ बिल्कुल सही, कि दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे बना दिया गया है, तो डीएन पटेल को। डीएन पटेल जो होंगे वो अगले चीफ जस्टिस होंगे, कहां के? न्यू दिल्ली हाई कोर्ट के, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, शहरी 20 मेयरों का शिखर सम्मेलन जो है वो किस शहर में आयोजित किया जाएगा, अर्बन 20 मेयर समिट हेल्ड इन विच सिटी, आपको बताना है। शहरी 20 मेयरों का शिखर सम्मेलन जो है ना वो कहां पर आयोजित किया जाएगा, उस शहर का नाम आपको बताना है। और ये आयोजित किया जाएगा आपका कहां पर, टोक्यो में। और टोक्यो कहां पड़ता है, तो भैया ये जापान का राजधानी है, कैपिटल है, और आपको पता है। और वहां पर जापान का जो मुद्रा है वो क्या है, तो जापानी सीएन।
और वहां के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो सभी को पता है शिंजो एबे। ये मैं डेली क्लास में करवा रहा हूं, तो ये सब चीज आपको याद ना करना पड़े, अभी तक तो आप सभी को याद हो गया होगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं, करेंसी कैपिटल या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वही पूछता है एग्जाम में जो आपके करेंट अफेयर में चर्चित हो, तो वो चीज तो मैं आपको डेली करवा दे रहा हूं ताकि आपको अलग से ये सब याद करना बिल्कुल भी ना पड़े। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2019 ISSF विश्व कप में महिला की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में किसने जीती है, यानी 10 मीटर एयर राइफल जो इवेंट हुआ है द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग वाला, उस विश्व कप में किसने जो है वो अवार्ड जीता है 10 मीटर एयर राइफल में महिलाओं की तरफ से, तो ये खिताब जीता है अपूर्वी चंडेला, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ISSF का फुल फॉर्म बहुत बार पूछ देता है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। और ISSF का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहां पर है, तो ये भी याद रखिएगा, मुनिच जर्मनी में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सब चीज भी आपको याद रखना है, एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सेकी सुई ओपन खिताब जो है वो किसने जीता है, और ये जीता है ऑप्शन नंबर ए। और एक बात, ये भैया कौन सा गेम है थोड़ा बताइए, तो आपने बहुत बार टीवी में दिखा होगा कि रैकेट जिससे हम लोग बैडमिंटन या टेनिस खेलते हैं ना, वो एक घर में बॉल को मारा जाता है दीवार में, देखे होंगे ना, ये वही गेम है, ठीक है। और तो ये खिताब किसने जीता है, ये खिताब जीता है इसने 2019 का। अगला प्रश्न है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जो है वो किसने जीत लिया है, और ये कौन सा गेम है, तो आपको बता दूं फॉर्मूला 1 यानी कार रेसिंग जो है वो ये गेम है। और ये खिताब किसने जीता है, तो ये खिताब जीता है आपका लिविस हैमिल्टन ने, एल हैमिल्टन, मतलब पूरा नाम क्या है, लिविस हैमिल्टन ने ये खिताब जीता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में बनता ही बनता है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और बैंक वाले खास कर देखिएगा ये सब क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने कॉप SME सुविधा जो है वो लॉन्च की है, जो GST पंजीकृत SMSE के लिए एक उत्पाद है, यानी कहने का मतलब है ना, जो भी मीडियम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज GST रजिस्टर्ड कंपनी है उनको डायरेक्ट बैंकिंग का सुविधा मिल सके, जो भी बैंकिंग के द्वारा लॉन्च किया जाएगा प्रोडक्ट उसका जो सुविधा है वो डायरेक्ट मिल पाए, तो ये एक बैंक ने ये एक लॉन्च इनिशिएटिव, एक नया योजना चालू किया है या स्कीम बोल सकते हो, जिस स्कीम का नाम क्या है, क्रोप SME सुविधा। ये सुविधा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये सुविधा किसको मिलेगा, जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड MSME है, ठीक है। तो ये सुविधा लॉन्च किया गया है कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा, और SMSME का फुल फॉर्म क्या होता है, मीडियम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, तो इनका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ठीक है। और कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कॉरपोरेशन बैंक के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बैंकिंग से रिलेटेड लॉन्च किए जाएंगे उसका डायरेक्ट फायदा इनको मिल पाएगा, ठीक है। और कॉरपोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो है आपका मैंगलुरु में। और कॉरपोरेशन बैंक का जो टैगलाइन है, हर एक बैंक का अलग अलग टैगलाइन होता है, तो कॉरपोरेशन बैंक का टैगलाइन क्या है, और प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक प्रोस्पर्टी फॉर ऑल, ठीक है, तो इसका टैगलाइन भी आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, आधुनिक थाई राजनीति के सबसे प्रभावशाली शख्सियत में से एक जिनका नाम क्या है, प्रेम तिनसुलानोंदा का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, आपको बताना है ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो मैं बता दूं ये प्रधानमंत्री थे आपका थाईलैंड का। और थाईलैंड का जो राजधानी है वो क्या है, वो बैंकॉक है, और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है, तो वहां पर मुद्रा इस्तेमाल की जाती है थाई बहत। और वहां के PM कौन है, तो वहां के थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है प्रायुत चैन ओचा, क्या नाम है, लवली, गजब। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि सुधीरमन कप जो है वो किसने जीता है, और ये किस गेम से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपका बैडमिंटन से, और ये खिताब जीता है चाइना ने, ठीक है, जापान को हराकर। और चाइना कैपिटल क्या है, बीजिंग है, और चाइना का करेंसी क्या है, तो रेंगमी सभी को पता है, और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है, तो जिपिंग।
तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इन आवर मैड एंड फ्यूरियस सिटी, ये जो नॉवल है ना, ये जो उपन्यास है, इसके रचयिता, इसके ऑथर, इसके लेखक कौन है, उनका नाम आपको बताना है। तो ये जो किताब है, ये जो नॉवल है, ये लिखा गया है आपका गाई गुनार्टे के द्वारा। ये जो है नॉवल जो है वो लिखा गया है, तो याद रखिएगा इस किताब के राइटर का नाम। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 29 मई के, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा successkey98.in से, ताकि एग्जाम के टाइम आप लोग रिवीजन कर पाए। और आज दिन में 11 बजे वीडियो का नोटिफिकेशन जाए या नहीं जाए, एक बार चैनल को खोलकर देख लीजिएगा। रीजनिंग के ऊपर बहुत अच्छा विश्लेषण मैंने दिया है, जिसमें आप लोग 30 में 30 पूरा नेक टू नेक कैसे स्कोर कर पाओ। तो जितने भी मेरे भाई बहन है, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए।